एनसीसी भर्ती में पूछेगा प्रश्न कौन बनेगा आज का विनर। तो आज की क्लास में फ्री मॉड्यूल पर 9 होगा, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे और मात्र टाइम 50 मिनट्स, 70 मार्क्स का होगा टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। टाइम शुरू हो चुका है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा और आपका टाइम इधर चल रहा है बगल में, तो लिमिट टाइम आंसर बताना है। टेस्ट आप पूरा देंगे यानी 70 क्वेश्चन का आप टेस्ट देकर बताएंगे कितना सही, 70 में 70 सही मतलब आपका सिलेक्शन फिक्स है। चलिए फास्ट, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द होल वर्ल्ड? टाइम अप। तो पूरी दुनिया का यानी विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी वाले सी वेटिकन सिटी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन या फिर ऑप्शन डी क्रिकेट। टाइम शुरू हो चुका है, विच इज द नेशनल गेम ऑफ द इंडिया? ऑप्शन फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट। और डेली आपकी क्लास शाम में 8 बजे भी होती है और फुल ईयर चलती है। चलिए टाइम अप। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो ऑप्शन बी वाले से ये हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। टाइम शुरू हो चुका है, हु एस्टेब्लिश्ड आजाद हिंद फौज? ऑप्शन आपके सामने है भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या फिर चंद्रशेखर आजाद। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं, टाइम अप। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन बी वाले से बोस जी ने। नेक्स्ट फोर नंबर, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी थॉमस अल्वा एडिसन ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने या फिर ऑप्शन डी गैलीलियो गैलीली ने। टाइम शुरू हो चुका है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंट थर्मामीटर? अभी तक अपना 100% रिजल्ट है क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके आते हैं। टोटल मैंने आपको ओरिजिनल क्वेश्चन भर्ती के 1600 से भी ज्यादा बताए, तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे तभी आपके सेम क्वेश्चन आएंगे। चलिए टाइम अप। तो थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था, ऑप्शन डी वाले सी गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। टाइम शुरू हो चुका है, एंटी स्टेरिलिटी मतलब होता है बांझपन, स्टेरिलिटी का मतलब होता है और एंटी मतलब उसको दूर करने वाला, कौन सा विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन ई। चलिए फास्ट टाइम अप। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन विटामिन ई होता है, ऑप्शन डी वाले सी विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मीराबाई चानू ओलंपिक में कौन सा मेडल जीती है? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन डी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन सी सिल्वर मेडल या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है, टेस्ट आप पूरा देंगे यानी 70 क्वेश्चन और कितना सही करते हैं लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, 70 में 70 सही मतलब आपका सिलेक्शन फिक्स और सेम क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट आएंगे ऑल इंडिया में। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में कौन सा मेडल, चलिए जल्दी टाइम अप। तो मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है यानी रजत पदक, ऑप्शन सी वाले से सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, WWW यानी ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म लिखे, ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब या फिर ऑप्शन डी वर्स्ट वाइड वेब। टाइम शुरू हो चुका है,
फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। फुल फॉर्म में आपको काफी ध्यान देना है, नहीं तो फिर थोड़ा मिस्टेक और गलत। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ऑप्शन सी वाले सही है, स्पेलिंग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी सीडीएस, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। टाइम शुरू हो चुका है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर, जनरल यानी आर्मी चीफ, सीडीएस, या फिर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। चलिए टाइम अप। तो तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयर और नेवी तीनों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होते हैं, ऑप्शन डी वाले से ये राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या फिर ऑप्शन डी सिक्किम में। टाइम शुरू हो चुका है। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जल्दी से बताएं। ऑप्शन है उत्तराखंड में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, या फिर सिक्किम में। चलिए फास्ट, टाइम अप। अरावली पर्वत राजस्थान में, ऑप्शन बी वाले सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जीती है? ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। टाइम शुरू हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप मतलब फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है फीफा, तो किस टीम ने सबसे ज्यादा टाइम्स विन किया? ऑप्शन है फ्रांस ने, बी ब्राजील ने, सी अमेरिका ने, या फिर इंग्लैंड ने। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो आपको लिमिट टाइम में आंसर बताना है। तो फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा ब्राजील ने जीता है, ऑप्शन बी वाले सी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, NASA नासा का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी नेशनल आर्मी एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन डी नेशनल आर्म्ड एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम शुरू हो चुका है। तो नासा का फुल फॉर्म बताइएगा, ये बहुत जगह पूछता है, इसका मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपको ओरिजिनल, इसलिए आप टेस्ट पूरा देंगे और याद भी करते रहेंगे। टेलीग्राम पर ग्रुप है जिसमें मैं सारे मॉडल पर डेली सेंड करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, आपको होमवर्क मिल जाएगा। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 12, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी आर्कटिक, या फिर ऑप्शन डी गोबी। टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ पर कहाँ की जगह ऑप्शन के थ्रू अब आपको बताना है, यहाँ पे कौन, कहाँ की जगह कौन होगा, ठीक है, कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वो मिस्टेक होगा जिसने पूछा होगा, बट आप ऑप्शन जैसा होगा वो इसी तरह से आंसर बताएंगे। चलिए फास्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चलिए टाइम अप। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, तो ए वाले सही है। नेक्स्ट 13, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बच्चा वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रसगुल्ला, ऑप्शन बी पेड़ा, ऑप्शन सी जलेबी, या फिर ऑप्शन डी लड्डू। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया? ऑप्शन रसगुल्ला, पेड़ा, जलेबी, या फिर लड्डू। इसका आंसर सभी का 100% सही होना चाहिए, और ये भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है, और ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए टाइम अप। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, ऑप्शन सी वाले सही, सब लोग अभी सही हो, जलेबी। 14 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप,
ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। टाइम शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? चलिए फास्ट, और एक सेकेंड, चलिए टाइम अप। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑप्शन सी वाले सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 अंडर 17 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी जापान। टाइम शुरू हो चुका है। महिला फीफा वर्ल्ड कप यानी वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 अंडर 17 किस देश में होगा? ऑप्शन चीन, भारत फ्रांस, सॉरी बी फ्रांस, सी भारत, या फिर डी जापान। टाइम अप। तो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस बार अंडर 17 की मेजबानी भारत का, यानी भारत के ओडिशा में होगा, भुवनेश्वर में, तो ऑप्शन सी वाले सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का दो कोण क्रमशः 65 डिग्री और 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताओ। ऑप्शन है 65 डिग्री, ऑप्शन बी 75 डिग्री, ऑप्शन सी 85 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 95 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका है। मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, भर्ती में। तो तीनों एंगल का सम होता है ट्रेंगल का 180, दो एंगल दिया है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 5। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जल्दी से कैलकुलेट करें सभी लोग, कितना होगा थर्ड एंगल। चलिए टाइम अप। तो थर्ड एंगल होगा 65 यानी 65 डिग्री, डिग्री भी लिखना पड़ेगा, ऑप्शन ए वाले से 65 डिग्री। नेक्स्ट 17, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5 राज्यों से, ऑप्शन बी 8 राज्यों से, ऑप्शन सी 7 राज्यों से, या फिर ऑप्शन डी 10 राज्यों से। टाइम शुरू हो चुका है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, 7 राज्यों से, या फिर 10 राज्यों से। टाइम अप। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी वाले से 8। नेक्स्ट 18 नंबर, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा नदी किनारे, ऑप्शन बी यमुना नदी किनारे, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, या फिर ऑप्शन डी सरयू नदी के किनारे। टाइम शुरू हो चुका है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि फेमस जगह है अयोध्या। ऑप्शन गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर सरयू नदी के किनारे। टाइम अप। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा, ऑप्शन डी वाले से। इसमें काफी लोग गंगा नदी लिख रहे थे, आप लोग पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा देश आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब जो 50 ओवर का क्रिकेट वाला जो वर्ल्ड कप मैच होता है, उस सबसे ज्यादा टाइम्स किस देश ने जीता? ऑप्शन आपके सामने है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर इंग्लैंड। चलिए फास्ट, टाइम अप। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जीतने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन बी वाले सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 19, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2020 में, या फिर ऑप्शन डी 2010 में। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, टेस्ट पूरा देना है, ठीक है, 70 का 70, क्योंकि 50 मिनट में 70 क्वेश्चन, वो भी लिमिट टाइम में, तो इससे आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा। 50 मिनट 70 क्वेश्चन, ठीक है, 20 सेकंड मात्र एक क्वेश्चन के लिए, इधर टाइम चल रहा है। चलिए फास्ट,
टाइम अप। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया, ऑप्शन ए वाले सी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? ऑप्शन ए 58 सेकंड में, ऑप्शन बी 60 सेकंड में, ऑप्शन सी 52 सेकंड में, या फिर ऑप्शन डी 45 सेकंड में। टाइम शुरू हो चुका है। राष्ट्रगान यानी अपना जो नेशनल एंथम जनगण मन है कितने सेकंड में गाया जाता है? इसका आंसर सबका परफेक्ट होना चाहिए 100%। जो भी गलत करेगा आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। चलिए फास्ट, राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? टाइम अप। तो राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है, ऑप्शन सी वाले सी 52 सेकंड। नेक्स्ट 21, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी प्लेग, या फिर ऑप्शन डी बेरी बेरी। टाइम शुरू हो चुका है। विच डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी? ऑप्शन ए अश्कर्वी, रेबीज, प्लेग, या फिर बेरी बेरी। बहुत इजी है, सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। तो विटामिन बी से बेरी बेरी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बेरी बेरी, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 22 नंबर, 2022 कॉमनवेल्थ गेम किस देश में हुआ? देश पूछा है। ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी फ्रांस में, या फिर ऑप्शन डी जापान में। टाइम शुरू हो चुका है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम किस देश में हुआ? मोस्ट वीवीआई करंट अफेयर्स, सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, या फिर जापान। टाइम अप। तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम ये इंग्लैंड में हुआ, ऑप्शन ए वाले सी इंग्लैंड। अगर जगह पूछे तो बर्मिंघम। नेक्स्ट 23 मैथमेटिकल क्वेश्चन, एक त्रिभुज के दो कोण 90 डिग्री और 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण बता। ऑप्शन ए 70 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 90 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल आर 90 डिग्री एंड 30 डिग्री, देन फाइंड द थर्ड एंगल। सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन 70 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, या फिर 90 डिग्री। टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60 यानी 60 डिग्री, तो ऑप्शन बी वाले सी 60 डिग्री। नेक्स्ट 24, संविधान कब बना था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। टाइम शुरू हो चुका है। भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर रेडी हुआ? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए फास्ट, और 4 सेकंड है, लिमिट टाइम है आंसर। चलिए टाइम अप। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 25, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए खो खो से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी कुश्ती से, या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन से। टाइम शुरू हो चुका है। बजरंग पुनिया रिलेटेड टू विच गेम? ऑप्शन खो खो से, क्रिकेट से, कुश्ती से, या फिर बैडमिंटन से। चलिए टाइम अप। तो बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है यानी रेसलिंग, तो ऑप्शन सी वाले सी कुश्ती से। नेक्स्ट 26 नंबर, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 20 मार्च को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को, या फिर ऑप्शन डी 30 मार्च को। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए फास्ट, 70 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट देखिए, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना सही है, ठीक है।
उस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। लिमिट टाइम में जब आप टेस्ट देते तो आपको पता चलता है परफेक्ट कि भाई आप कितना तैयारी कर लिए, उसके अनुसार आपको तैयारी करना पूरा मन से। चलिए टाइम अब तो वर्ल्ड डॉक्टर्स डे प्रत्येक वर्ष 30 मार्च यानी 30 मार्च को मनाते हैं, तो ऑप्शन डी वाले से 30 मार्च को। नेक्स्ट 27 नंबर, सिंधु घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। टाइम शुरू हो चुका है। सिंधु घाटी किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, या फिर राजस्थान में। चलिए टाइम अप, तो सिंधु घाटी पंजाब में स्थित है, ऑप्शन बी वाले से पंजाब। नेक्स्ट 28 नंबर, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1979 में, ऑप्शन बी 1977 में, ऑप्शन सी 1965 में, या फिर ऑप्शन डी 1969 में। टाइम शुरू हो चुका है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इसरो एस्टेब्लिश्ड? चलिए फास्ट, और इसरो का फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछता है। टाइम अप, इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, ऑप्शन डी वाले से 1969 में। नेक्स्ट 29 नंबर, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं। ऑप्शन ए कैप्टन, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी फील्ड मार्शल, या फिर ऑप्शन डी जनरल। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी? जल्दी से बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फास्ट, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक, बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए टाइम तो आर्मी का सबसे बड़ा रैंक जनरल का होता है, तो ऑप्शन डी वाले सही है जनरल। नेक्स्ट 30 नंबर, गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुदर्शन फकीर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास, या फिर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। टाइम शुरू हो चुका है। गीतांजलि के लेखक कौन है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए फास्ट, यानी गीतांजलि किसने लिखा? ऑप्शन आपके सामने है। टाइम अप, तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है, तो ऑप्शन बी वाले सही रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 31, SIM सिम का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, ऑप्शन बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, ऑप्शन सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या फिर ऑप्शन डी सब्सटेंस आइडेंटिटी मॉड्यूल। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ सिम, सभी लोग जल्दी से बताएं। SIM सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म आपको काफी अच्छे से देखना है, नहीं तो थोड़ा सा गलत करेंगे फंस जाएंगे। चलिए फास्ट, गुड जोश। चलिए टाइम अप, तो सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 32, NCC का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी शिमला में, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली में। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NCC? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। NCC का हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए फास्ट, गुड जॉब। टाइम अप, तो NCC का हेडक्वार्टर दिल्ली में, सबका सही है, ऑप्शन डी वाले सी है दिल्ली। नेक्स्ट 33, UNO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में।
टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इवेनो, इसका फुल फॉर्म याद है ना, पूछता है इवेनो से रिलेटेड चार पांच क्वेश्चन है। चलिए फास्ट, ऑप्शन दिल्ली में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में या फिर न्यूयॉर्क में। चलिए टाइम अप, तो इवेनो का मुख्यालय नहीं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन डी वाले से न्यूयॉर्क। नेक्स्ट 34, ग्रेविटी की खोज किसने किया। ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन बी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने या फिर ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। टाइम शुरू हो चुका। हु इन्वेंट ग्रेविटी, मतलब वही है ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया। तो क्वेश्चन दोनों तीनों तरह से कैसे भी पूछेगा आप फंसेंगे नहीं। ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम ने, ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन ने। चलिए टाइम अप, तो ग्रेविटी की खोज सर आइजक न्यूटन ने किया था, तो ऑप्शन सी वाले से न्यूटन। नेक्स्ट 35, भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी तोता या फिर ऑप्शन डी कबूतर। टाइम शुरू हो चुका। राइट द नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, बच्चा वाला क्वेश्चन, और ये भी बहुत जगह इसे पूछता है, सब बेबी टाइप क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, कोयल, मोर, तोता या फिर कबूतर। चलिए जल्दी, नो टाइम वेस्ट, टाइम अप। तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक है, तो ऑप्शन बी वाले से ये मोर। नेक्स्ट 36 नंबर, सारे जहां से अच्छा हिंदू से ता हमारा का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल ने। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताएं। सारे जहां से अच्छा हिंदू से ता हमारा, ये स्लोगन किस व्यक्ति ने दिया था। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर मोहम्मद इकबाल ने। टाइम अप, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 37 नंबर, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 दिसंबर को, ऑप्शन सी 7 दिसंबर को या फिर ऑप्शन डी 21 जून को। टाइम शुरू हो चुका, तो आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या फिर 21 जून को। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 38 नंबर, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सिराज गोपालाचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। टाइम शुरू हो चुका है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, यहाँ पे ध्यान देना, भारतीय पूछा है, मतलब भारत के निवासी जो पहले गवर्नर जनरल बने। चलिए फास्ट, ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग या फिर वल्लभ भाई पटेल। टाइम अप, तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी थे, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 39 नंबर, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला। ऑप्शन ए बीजिंग से, ऑप्शन बी शंघाई से, ऑप्शन सी नैनजिंग से या फिर ऑप्शन डी वुहान से। टाइम शुरू हो चुका, ये चारों ही चीन के शहर हैं, तो इनमें से किस शहर से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, मतलब कहाँ से कोरोना का शुरुआत हुआ। सभी लोग जल्दी से बताएं, सही आंसर होना चाहिए। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो कोरोना वायरस चीन के वुहान सिटी से पूरे दुनिया में फैला, ऑप्शन डी वाले से वुहान। नेक्स्ट 40 नंबर, ISI का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्शन ए इंडियन सर्विसेज इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी
इंटर सेशन इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, या फिर ऑप्शन डी इंटर सर्विसेज इंडिया। टाइम शुरू हो चुका। आईएसआई ऑर्गेनाइजेशन पता है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, परफेक्ट होना चाहिए। लिमिट टाइम है, टाइम इधर चल रहा है अभी, और इसके बाद 40 क्वेश्चन है। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो आईएसआई का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, तो ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए नाथुलपंथी वेंकटरमन, ऑप्शन बी फातिमा बीवी, ऑप्शन सी हरिलाल जे कानिया, या फिर ऑप्शन डी रंजन गोगोई। टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन समझिएगा, प्रेजेंट का नहीं पूछ रहा, सबसे पहला पूछ रहा कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नाथुलपंथी वेंकटरमन, फातिमा बीवी, हरिलाल जे कानिया, या फिर रंजन गोगोई। टाइम अप। तो हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया जी थे, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 42, मच्छरों द्वारा खालिस्तान और खालिस्तान रोग फैलते हैं। ऑप्शन ए डेंगू और मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू और रेबीज, ऑप्शन सी रेबीज और मलेरिया, या फिर ऑप्शन डी पीलिया और डेंगू। टाइम शुरू हो चुका है। यानी मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन दिया गया है। चलिए फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। गुड जोश, और 2 सेकेंड, टाइम अप। तो मच्छर द्वारा डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी होती है, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 43 नंबर, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 10। टाइम शुरू हो चुका है। व्हाट आर द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? मूल अधिकार मतलब वही है, मौलिक अधिकार, शॉर्ट फॉर्म में पूछा है वो फंसाने के लिए। ऑप्शन में 8, 6, 5, या फिर 10 मौलिक अधिकार। टाइम अप। तो संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, तो ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जीएसटी का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्शन ए गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सेल टैक्स, ऑप्शन सी गुड सर्विसेज टैक्स, या फिर ऑप्शन डी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, इसमें तो 90% अभी भी आप गलत होने वाले हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है आपसे। चलिए देखते हैं कितने लोग सही बताते। जीएसटी का फुल फॉर्म, थोड़ा मिस्टेक, आपका आंसर गलत। टाइम अप। तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स होता है, गुड नहीं होता, तो यहाँ पे काफी लोग फंसते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ऑप्शन डी वाले सही है। कौन कौन सही है बताइएगा। 45 नंबर, भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जनरल राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत, या फिर ऑप्शन डी जनरल मनोहर पारिकर। टाइम शुरू हो चुका है। हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, यानी सबसे पहले कौन बने थे इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष है जनरल राजेंद्र सिंह, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 46 नंबर, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन सी दिल्ली में, या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद में। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए फास्ट, लिमिट टाइम में आंसर, तभी आप होंगे विनर और आपका सिलेक्शन कन्फर्म। 80-80 सही बताएं, मतलब आपका सिलेक्शन कन्फर्म, ये नहीं कि केवल यही मॉडल पर, डेली टेस्ट होता है ना, आपको सारे सही बताने होंगे, मतलब 1600 क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, कहीं से भी पूछ देगा। टाइम अप। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन बी वाले सही है।
नेक्स्ट 47 नंबर, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? ऑप्शन ए जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन बी जनरल सैम मानेकशॉ, ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत या फिर ऑप्शन डी जनरल के एम करियप्पा। टाइम शुरू हो चुका है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, यानी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के कौन थे? ऑप्शन जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल बिपिन रावत जी या फिर जनरल के एम करियप्पा। टाइम अप। तो हमारे पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटनावश शहीद हो गए थे। ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 48, एम्स का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्शन ए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑप्शन बी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकेयर साइंस, ऑप्शन सी एयर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या फिर ऑप्शन डी ऑल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ एम्स, चलिए फास्ट, लंबा फुल फॉर्म है, बताइएगा। टाइम आपके पास है अभी, अभी 6 सेकंड है, तो आराम से सभी लोग बताएं। फुल फॉर्म ऑफ एम्स। टाइम अप। तो एम्स का फुल फॉर्म होता है, हॉस्पिटल है पता है ना, बड़ा वाला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बहुत बड़ा अस्पताल है। ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 49, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी जमशेदपुर में या फिर ऑप्शन डी मुंबई में। टाइम शुरू हो चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए फास्ट, ऑप्शन दिल्ली में, अजमेर में, जमशेदपुर में या फिर मुंबई में। टाइम अप। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ऑप्शन डी वाले से ही मुंबई। नेक्स्ट 50 नंबर, कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क। टाइम शुरू हो चुका है। यानी कोरोना हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? इसका आंसर तो सबका सही होना चाहिए 100%, क्योंकि 5 साल से सभी लोग कोरोना झेल रहे हैं और मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है। चलिए फास्ट, कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइम अप। तो कोरोना से ह्यूमन बॉडी का फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं, अफेक्टेड होता है। ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 51 नंबर, अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 161 फीट, ऑप्शन बी 160 फीट, ऑप्शन सी 181 फीट या फिर ऑप्शन डी 165 फीट। टाइम शुरू हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन 161 फीट, 160 फीट, 181 फीट या फिर 165 फीट। टाइम अप। तो अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 52 नंबर, NEET नीट का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्शन ए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ऑप्शन बी नेशनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, ऑप्शन सी नॉन एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट या फिर ऑप्शन डी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट टाइप। टाइम शुरू हो चुका है। नीट का फुल फॉर्म सभी लोग जल्दी से बताएं। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म ऐसे बहुत सिंपल है अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं तो फिर तो मुश्किल है कि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे। टाइम अप। तो नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 53 नंबर, खालिस्तान को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, यानी किस व्यक्ति को मिसाइल मैन कहते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। टाइम शुरू हो चुका है। विच पर्सन इज नोन एज द नेम ऑफ मिसाइल मैन, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है।
ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है, सबका सही होना चाहिए, बहुत इजी है, सब लोग सही बताएंगे। जो कुछ भी नहीं जानता होगा ये क्वेश्चन उसको पता होगा। टाइम अप। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 54 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन बी ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, या फिर ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। टाइम शुरू हो चुका है। हु इन्वेंट न्यूट्रॉन? चलिए फास्ट टेस्ट पूरा देना, ठीक है? मतलब क्लास 80 क्वेश्चन का है, पूरा कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कमेंट में कि कितना सही किए। ये क्लास इसलिए होती है ना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, लिमिट टाइम में। टाइम अप। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 55 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी, या फिर ऑप्शन डी स्पाइन। टाइम शुरू हो चुका है। आप में से बहुत लोग बस तुक्का लगाते हैं और उनको आंसर पता होगा कान की हड्डी, तो भैया इसमें कान की हड्डी ऑप्शन में नहीं है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको नाम पता होना चाहिए। कान और आंख की हड्डी लिखेंगे कहीं नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छा से पढ़िए। टाइम अप। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपीज, जो कान में होती है, तो स्टेपीज याद रखें, ठीक है? ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 56 नंबर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने, या फिर ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल ने। टाइम शुरू हो चुका है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, नारा किसने दिया? टाइम शुरू हो चुका है और 8 सेकंड 7 सेकंड है। गांधी ने, बोस ने, भगत सिंह, या फिर रामप्रसाद बिस्मिल ने। टाइम अप। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये नारा रामप्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था, तो ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 57 नंबर, इंडिया गेट कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी जमशेदपुर में, या फिर ऑप्शन डी मुंबई में। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए फास्ट, सबका सही होना चाहिए। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? जल्दी, ऑप्शन दिल्ली में, अजमेर में, जमशेदपुर में, या फिर मुंबई में। गुड जोश, चलिए फास्ट। टाइम अप। तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 58 नंबर, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी में, या फिर ऑप्शन डी दौलताबाद में। टाइम शुरू हो चुका है। चार मीनार कहाँ स्थित है? सभी का सही होना चाहिए। चलिए फास्ट, ऑप्शन दिल्ली में, हैदराबाद में, फतेहपुर सिकरी में, या फिर दौलताबाद में। टाइम अप। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 59 नंबर, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने, या फिर ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल ने। टाइम शुरू हो चुका है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? चलिए फास्ट, और जो लोग अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, एनसीसी की सारी सही जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाती है। टाइम अप। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था, तो ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 60 नंबर, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 5 सितंबर को, ऑप्शन बी 14 नवंबर को, ऑप्शन सी 26 जनवरी को, या फिर ऑप्शन डी 5 जून को। टाइम शुरू हो चुका है। व्हेन वी सेलिब्रेट टीचर्स डे? चलिए फास्ट, आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, किसमें भी कुछ लोग 14 नवंबर लिख रहे हैं, तो बच्चा आप लोग थोड़ा पढ़िए अच्छे से। टाइम अप। तो शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष
5 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 61, सुनील गावस्कर किस खेल के खिलाड़ी थे? ऑप्शन ए हॉकी के, ऑप्शन बी क्रिकेट के, ऑप्शन सी बैडमिंटन के, या फिर ऑप्शन डी फुटबॉल के। टाइम शुरू हो चुका है, यानी सुनील गावस्कर कौन सा खेल खेलते थे? और वीडियो को आप लोग डेली लाइक कर दिया करेंगे जो लोग भी क्लास आते हैं। और बाकी शाम में जो 8 बजे डेली पूरे साथ क्लास चलते रहती न्यू भर्ती वाली, तो आप रिविजन में रहेंगे, ठीक है? चलिए फास्ट टाइम अप। तो सुनील गावस्कर ये क्रिकेटर थे, तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 62 नंबर मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन है, किसी आयत को आधा करके फिर दोगुना किया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, यानी चेंज हो जाएगा? ऑप्शन ए दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी डेढ़ गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। टाइम शुरू हो चुका है, किसी आयत को आधा करके फिर दोगुना किया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, बताइएगा। चलिए जल्दी से, 2 गुना, 1.5 गुना, 4 गुना, या फिर नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं। टाइम अप। तो आयत को आधा किया फिर डबल ही कर दिया तो बात बराबर है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी वाले से नो चेंजेस। नेक्स्ट 63 नंबर बाल दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 5 सितंबर को, ऑप्शन बी 14 नवंबर को, ऑप्शन सी 26 जनवरी को, या फिर ऑप्शन डी 5 जून को। टाइम शुरू हो चुका है, वेयर वी सेलिब्रेट चिल्ड्रेंस डे? सभी लोग आंसर जल्दी से बताएंगे, बाल दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 26 जनवरी को, या फिर 5 जून को। टाइम अप। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 64 नंबर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने, या फिर ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल ने। टाइम शुरू हो चुका है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये काफ़ी मशहूर नारा है, सबको पता होना चाहिए, तो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने? टाइम अप। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 65 नंबर अभी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक में दूसरी बार लगातार 2 पदक जीतने वाला भारतीय कौन, यानी सेकेंड टाइम? ऑप्शन ए पहलवान सुशील कुमार, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, या फिर ऑप्शन डी मीराबाई चानू। टाइम शुरू हो चुका है, ओलंपिक में दूसरी बार, यानी एक बार तो जीता 2 मेडल लगातार और फिर दूसरी बार भी 2 मेडल लगातार, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, पहलवान जी, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, या फिर मीराबाई चानू। ईजी है अगर क्वेश्चन समझ के पढ़ेंगे तो। टाइम अप। तो ओलंपिक में दूसरी बार लगातार 2 पदक पीवी सिंधु ने जीता है, तो ऑप्शन सी वाले सही है। 66 नंबर उगता सूर्य किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम को, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन सी उत्तराखंड को, या फिर ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर को। टाइम शुरू हो चुका है, उगता सूर्य किस राज्य को कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, या फिर जम्मू और कश्मीर को। चलिए फास्ट टाइम अप। तो उगता सूर्य के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 67 नंबर भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए लगभग 144 करोड़, ऑप्शन बी लगभग 139 करोड़, ऑप्शन सी लगभग 150 करोड़, या फिर ऑप्शन डी लगभग 140 करोड़। टाइम शुरू हो चुका है, व्हाट आर द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? तो आंसर अप्रॉक्स में यानी लगभग में लिखना है, ठीक है? ऑप्शन आपके सामने है, लगभग 144 करोड़, लगभग 139 करोड़, लगभग 150 करोड़, या फिर लगभग 140 करोड़।
चलिए फास्ट टाइम अप। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अप्रॉक्स 139 करोड़ यानी लगभग 139 करोड़ है। ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 68 नंबर, इनकलाब का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी हसरत मोहानी ने, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। टाइम शुरू हो चुका है। इस क्वेश्चन में आप में से 95% लोग या फिर उससे ज़्यादा गलत होने वाले, 5% से भी कम लोग सही हो गए, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, पूछ देगा फंस जाइएगा। तो बताइएगा टाइम अप। तो इनकलाब का नारा भगत सिंह ने नहीं दिया था, हसरत मोहानी वाले सही है। देख लो कितने लोग सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 69 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 14 जनवरी 1761 को, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1556 को, ऑप्शन सी 14 जनवरी 1526 को, या फिर ऑप्शन डी 14 जनवरी 1756 को। टाइम शुरू हो चुका है। थर्ड बार ऑफ पानीपत कब हुआ था बताइएगा सभी लोग जल्दी। ऑप्शन आपके सामने है। टाइम अप। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी। ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 70 नंबर, यूएवी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अनमैंड एरियल व्हीकल, ऑप्शन बी यूनिक एरियल व्हीकल, ऑप्शन सी अनमैंड एयर व्हीकल, या फिर ऑप्शन डी अनमैंड एरियल वन। टाइम शुरू हो चुका है। यानी यूएवी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ओनली 20 सेकंड, ठीक है, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन के लिए एग्जाम में मात्र 30 मिनट का टाइम मिलेगा, तो समझ रहे हैं 20 सेकंड में नहीं सॉल्व करेंगे तो मुश्किल है, इसलिए शाम वाली क्लास 8 बजे कंटिन्यू अच्छे से तैयारी करेंगे सभी लोग। तो यूएवी का पूरा नाम अनमैंड एरियल व्हीकल होता है। ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 71 नंबर, भारत का राष्ट्रभाषा कौन सा है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी तमिल, या फिर ऑप्शन डी हिंदी। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? चलिए फास्ट, सबका सही होना चाहिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन अंग्रेजी, उर्दू, तमिल या फिर हिंदी। गुड जॉश। टाइम अप। तो भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऑप्शन डी वाले सही है, हिंदी। नेक्स्ट 72 नंबर, हुगली शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ऑप्शन सी कोलकाता नदी के किनारे, या फिर ऑप्शन डी हुगली नदी के किनारे। टाइम शुरू हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर सबका सही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अजीबो गरीब आंसर बताते हैं, मतलब शहर को भी नदी बना देते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे कोलकाता नदी दिया गया, आप लोग कमेंट में देख रहे होंगे, जबकि इसका आंसर क्वेश्चन में ही है। हुगली शहर किस नदी किनारे है? टाइम अप। तो हुगली शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन डी वाले से, कोलकाता कोई नदी नहीं है जो आप लोग लिखते हो, मतलब कुछ भी, अच्छे से पढ़िए। 73 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 29 अगस्त को, ऑप्शन बी 28 अगस्त को, ऑप्शन सी 26 अगस्त को, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त को। टाइम शुरू हो चुका है। व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे बताइएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन है 29 अगस्त, 28 अगस्त को, 26 अगस्त को, या फिर 15 अगस्त को। टाइम अप। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 74 नंबर, JNU का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेचुरल यूनिवर्सिटी, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू यूनिफॉर्म। टाइम शुरू हो चुका है।
फुल फॉर्म ऑफ JNU, ये भी फुल फॉर्म काफी जगह पूछा है, बहुत इजी है अगर पढ़े होंगे तो। और 6 क्वेश्चन है तो पूरा क्लास करना है, ठीक है, 80 क्वेश्चन का। चलिए फास्ट, और 1600 क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेंगे अगर एनसीसी लेना है तो। टाइम अप। तो JNU का फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 75 नंबर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी तिरंगा झंडा, ऑप्शन सी अशोक स्तंभ, या फिर ऑप्शन डी लाल झंडा। टाइम शुरू हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन है अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ, या फिर लाल झंडा। इसका आंसर जो गलत कर दिया आपको बहुत, आपकी बहुत पिटाई होगी। टाइम अप। तो अपना राष्ट्रीय ध्वज, देश की आन बान शान, तिरंगा झंडा है, ऑप्शन बी वाले सही है। 76 नंबर, DRDO ने इंडियन आर्मी को हाल ही में कौन सी मशीन दी है? ऑप्शन ए ड्रोन, ऑप्शन बी टैंक, ऑप्शन सी भारत ड्रोन, या फिर ऑप्शन डी मशीन गन। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए सभी का सही होना चाहिए। फास्ट। DRDO एक भारत का ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इंडियन आर्मी को कौन सी मशीन दी है? और DRDO से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछता है, स्थापना पूछता है, हेडक्वार्टर, तो सारे क्वेश्चन याद कीजिएगा। टाइम अप। तो DRDO ने इंडियन आर्मी को हाल ही में भारत ड्रोन नामक मशीन दी है, तो ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 77 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 21 जून को, ऑप्शन बी 16 अप्रैल को, ऑप्शन सी 5 सितंबर को, या फिर ऑप्शन डी 5 जून को। टाइम शुरू हो चुका है। व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जब आप एनसीसी कैडेट बन जाएंगे तो उस दिन हम लोग रैली निकालते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि पेड़ पौधा लगाइए। ऑप्शन 21 जून को, 16 अप्रैल को, 5 सितंबर को, या फिर 5 जून को। सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं, डी वाले सही है। नेक्स्ट 78 नंबर, भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? कम पूछा है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी सिक्किम, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब भारत के किस राज्य की लिटरेसी रेट, शिक्षा दर, साक्षरता दर सबसे कम है, मिनिमम? ऑप्शन ए केरल का, बी बिहार का, सी सिक्किम का, या फिर डी उत्तर प्रदेश का। टाइम अप। तो सबसे कम शिक्षित राज्य भारत का बिहार है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी तो मैं भी ठीक हो गया होगा, तो आप लोग बी ही लिखेंगे, बिहार ये नहीं लिखना है, केवल बी लिखना, बिहार। 79 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी बाघ, या फिर ऑप्शन डी चीता। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए। चलिए फास्ट, शेर, हिरण, बाघ, चीता। टाइम अप। तो नेशनल एनिमल यानी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो ऑप्शन सी वाले सी, टाइगर यानी बाघ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, मोस्ट वीवीआई, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्शन ए नेशनल क्रेडिट कोर, ऑप्शन बी नेशनल कैडेट कोड, ऑप्शन सी नेशनल कैडेट कोर, या फिर ऑप्शन डी नॉन कैडेट कोर। टाइम शुरू हो चुका है। सभी का 100% परफेक्ट चाहिए, और इसका आंसर बताने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे आपका कितना सही है। जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको एनसीसी की सारी बेस्ट जानकारी परफेक्ट तेजस चैनल पर दी जाती है, और वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। चलो टाइम अप। तो एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। तभी फटाफट कमेंट करके बताइएगा किसका कितना सही है। और क्लास 8 बजे रेगुलर, 8 बजे जो शाम वाली रात में जो क्लास होती है वो पूरे साल होती है, ठीक है। सुबह में तो भर्ती टाइम होता है, फिर बंद हो जाता है, लेकिन 8 बजे आप रात बजे क्लास कंटिन्यू करेंगे टाइम से, ठीक है, और होमवर्क पढ़ के आइएगा, ठीक है। फिर
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।